नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हरियाणा के रोहतक में वार्ड चुनाव को लेकर सुबह से ही मतदान शुरू हो गए। कुल 5 पदों पर चुनाव होना है, जिसके लिए वकील मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। इन 5 पदों पर कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसने भविष्य का फैसला 3083 अधिवक्ता मतदान के जरिए करेंगे। वहीं प्रधान पद पर 2 अधिवक्ताओं ने दावेदारी ठोकी है। इनमें 7 बार प्रधान बन चुके लोकेंद्र सिंह फोगाट व 2 दफा चुनाव में हार का सामना करने वाले संजीव बत्रा में टक्कर है। वहीं उम्मीदवार वकीलों को अपने पक्ष में वोट करने के लिए भी समझाने में कसर नहीं छोड़ रहे। रोहतक बार एसोसिएशन में प्रधान सह सचिव व पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए 2-2 आवेदन किए गए। वहीं सबसे ज्यादा दावेदार महासचिव पद पर 5 अधिवक्ताओं ने नामांकन फॉर्म भरा। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के लिए 60 ने नए आवेदन आए। प्रधान पद के दावेदार ही नहीं, अन्य उम्मीदवारों ने भी जीत के लिए काफी प्रयास किए। चुनाव अधिकारी सतबीर सिंह नेहरा, सह चुनाव अधिकारी आरएन सेनी व जयपाल शर्मा ने बताया कि 16 दिसंबर को रोहतक बार एसोसिएशन में चुनाव होगा। चुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। इसमें लंच टाइम 1:30 से 2 बजे का होगा। मतों की गिनती 5 बजे के बाद होगी। वहीं 16 दिसंबर को ही चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। वहीं नए पदाधिकारी भी मिल जाएंगे। चुनाव अधिकारी सतबीर सिंह नेहरा ने कहा कि जिलावार एसोसिएशन में होने वाले वार्षिक चुनाव में बार काउंसलिंग द्वारा जारी हिदायतों की सख्ती से पालन होगा। सभी संभावित उम्मीदवारों से आग्रह किया कि वो भी इसका पालन करें। मतदाता सूची में करीब 150 आजीवन सदस्य है, जिनके लिए एक विशेष व्यवस्था की जाएगी, जिसमें आदर्श मतदान केंद्र बनाया जाएगा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।